हेलो बच्चों, बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 1 हिंदी मीडियम की बुक से हिंदी का चैप्टर नंबर 7 सुखी परिवार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सुखी परिवार। तो इसको हम रीड करके देखेंगे, ठीक है। एक बाग में आम और महुआ के पेड़ पास पास थे। तो एक बाग है, उसमें क्या है, आम और महुआ का पेड़ क्या है, पास पास में है, ठीक है। आम के पेड़ पर मिनी चिड़िया का घोंसला था। तो जो आम का पेड़ है उस पर मिनी नाम की एक चिड़िया का क्या है, घोंसला है, मतलब उसका घर है, ठीक है। उस घोंसले में दो बच्चे थे। उस घोंसले में क्या है, दो बच्चे थे। मिनी चिड़िया बाहर से भोजन लेकर आती और अपने दोनों बच्चों को खिलाती थी। तो मिनी चिड़िया क्या करती थी, बाहर जाती थी और भोजन मतलब खाना लेके आती थी और अपने दोनों बच्चों को क्या करती थी, रोज अच्छे से खिलाती थी, ठीक है। दोनों बच्चे चू-चू करके बड़े प्रेम से खाते और घोंसले में आराम से खेलते सोते थे। अब जब मिनी चिड़िया जो आम के वृक्ष पर रहती थी, वो जब क्या लेके आती थी, खाना, तो बच्चे चू चू करके क्या करते थे, बड़े प्रेम से खाना खाते थे और आराम से उस घोंसले में खेलते थे और सो जाते थे, है ना। वे सब बहुत सुखी थे। इतना सब अच्छा परिवार उसका था, उसकी मम्मी खाना खिलाती थी, तो वो लोग क्या करते थे, एकदम खुशी थे, खूब आराम से रहते थे, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा वृक्ष क्या था, महुए का, जो पेड़ किसके बाजू में था, आम के बाजू में ना। महुए के पेड़ पर चीनी चिड़िया का घोंसला था। तो जो देखो, आम के पेड़ पे मिनी थी और महुए के पेड़ पे कौन है, चीनी, ठीक है। उस घोंसले में चीनी के चार बच्चे थे, ठीक है। तो चीनी के जो बच्चे थे कितने थे, चार बच्चे थे, जो किस पे रहते थे, महुआ के पेड़ पे। किस पे रहते थे, चीनी जब चारा लेकर आती तो चारे वो बच्चे चू चू ची ची करके शोर मचाते। चीनी जो महुआ के वृक्ष पे चीनी रहती थी, वो क्या करती, जब खाना लेके आती थी तो सारे बच्चे क्या करते थे, ची ची चू चू करके क्या करते थे, शोर मचाने लगते थे, है ना। चीनी चिड़िया सबकी चोच में भोजन डालती पर चारों के पेट नहीं भरते थे। अब चीनी चिड़िया जो बेचारी क्या थी, भोजन तो लेके आती लेकिन वो चारों बच्चों के चोंच में क्या करती थी, खाना डालती थी, लेकिन चार बच्चे होने की वजह से सभी का पेट अच्छे से भर नहीं पाता था, है ना। दिन भर वे चारों आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और दिन भर वो चारों भाई बहन क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। चीनी चिड़िया का परिवार बहुत दुखी रहता था, ठीक है। तो चीनी चिड़िया जो थी उसके परिवार क्या थे, बहुत ही दुखी थे। तो ये देखो, सुखी परिवार में हमने क्या देखा, एक बाग था, उसमें क्या था, एक आम का पेड़ और एक महुआ का पेड़ आजू बाजू में रहता था। आम के पेड़ पे कौन रहता था, मिनी चिड़िया, कौन रहती थी, और महुआ के पेड़ पे चीनी चिड़िया। मिनी चिड़िया जो आम पे रहती तो बहुत खुश थी, क्यों, क्योंकि उसके दो ही बच्चे थे और चीनी चिड़िया कितने बच्चे थे, चार बच्चे थे, इसलिए वो दुखी थे। तो इससे आपको क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि छोटा परिवार क्या होता है, सुखी परिवार होता है, और बड़ा परिवार क्या होता है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, और बड़ा परिवार दुखी परिवार।